वेलकम टू लेक्चर सिक्स ऑफ कोर्स ऑन बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टूडेंट्स लेक्चर फाइव में हमने कई बातें की थी एक तो हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लाइव चला के देखा और मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पांच अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हमारे लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं उनको वर्कशीट्स में कैसे किया जाता है फॉर्मूले कैसे लिखे जाते हैं ये हमने बड़ी तफसील से किया उसके बाद हमने अरिथमेटिक मीन जिसको एवरेज कहते हैं वेटेड एवरेज डिस्कस की फिर हमने परसेंटेज चेंज के कई छोटी छोटी एग्जांपल्स की और खास तौर पे मैंने पॉइंट आउट किया कि इन रियल लाइफ जब आप इस किस्म के फिगर्स इनकाउंटर करते हैं तो उनकी क्या सिग्निफिकेंस होती है आज के लेक्चर में भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं खासतौर पे इंटरेस्ट रेट्स की कैलकुलेशंस किस तरह से की जाती हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है लोग मुख्तलिफ चीजें इंस्टॉलमेंट्स पे खरीदते हैं इस सिलसिले में एक टर्म इस्तेमाल होती है अन्यूएटी

आज के लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ़्ट एक्सेल में काम नहीं करेंगे लेकिन जो काम आज हम कर रहे हैं वो मैं चाहूंगा कि आप होमवर्क के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करें और बाद में इस कोर्स की वेबसाइट पे वर्कशीट अवेलेबल कर दी जाएगी ताकि आप अपने काम को उस वर्कशीट के साथ कंपेयर कर सकें तो आइए सबसे पहले देखते हैं आज की स्लाइड्स स्लाइड नंबर वन से शुरू करते हैं इसमें आप देख रहे हैं कि एक तो रिव्यू ऑफ लेक्चर फाइव जो ब्रीफली हम कर चुके हैं फिर एक टॉपिक है डिस्काउंट ये पहले लेक्चर में बड़ी तफसील से हमने डिस्कस किया था और आज एक आध एग्जांपल इसकी भी हम देखेंगे फिर सिम्पल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और उससे रिलेटेड जो अन्यटी वाली बातें हैं कि एवरेज ड्यू डेट इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंगस एंड कैलेंडर ये वो कुछ टॉपिक्स हैं जो आज के लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं आइए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स मैंने लिस्ट किए हैं जो असल में लेक्चर फाइव का रिवीन है क्योंकि ये टॉपिक हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग को फर्दर रिफ्रेश करवाने के लिए ये दो तीन मैंने इस किस्म के सवाल यहां पर रखे हैं सबसे पहला सवाल यह है ए चार्टर्ड बैंक इज लोअरिंग द इंटरेस्ट रेट ऑन इट्स लोन्स फ्राम नाइन परसेंट टू सेवन परसेंट वट विल बी द परसेंट टिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट ऑन ए गिवन बैलेंस आइए इसको डिस्कस करें कि बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट नाइन परसेंट से सेवन परसेंट किया तो यहां पे सवाल ये उठ रहा है कि ये परसेंटेज चेंज क्या आई यानी आप देखें कि ऑलरेडी ये फिगर्स परसेंट में हैं नाइन परसेंट और सेवन परसेंट तो चेंज क्या आई नाइन माइनस सेवन यानी टू परसेंट और जो बेस वैल्यू थी वो नाइन परसेंट है सो इट मींस कि हम ये कैलकुलेशन टू डिवाइडेड बाय नाइन इंटू वन हंड्रेड ये हमारी कैलकुलेशन बनती है कि इतने परसेंट चेंज इन परसेंट इंटरेस्ट आएगा यानी यह सोच तलब बात यह है कि ये परसेंटेज चेंज इज इन परसेंट आइए अगली स्लाइड देखते हैं ये उसी सवाल को एक और तरह से देखा जा रहा है अ चार्टर्ड बैंक इज इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट ऑन इट्स लोन्स फ्रॉम सेवन टू नाइन परसेंट what विल बी द परसेंट इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट ऑन ए गिवन बैलेंस आइए थोड़ी सी बात करें इस केस में सवाल वही है लेकिन फिगर आप बजाय नौ से सात परसेंट पे आए ये सेवन परसेंट से नाइन परसेंट की तरफ जा रही है सो इट मीन्स के इस केस में ये इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट और अगर अगरचे वैल्यू तो वही है जो पिछली एग्जांपल में हमने देखी कि नाइन टू सेवन परसेंट में जवाब माइनस आ रहा है यानी डिक्रीज हो रहा है और यहां सेवन टू नाइन परसेंट यानी इंक्रीज हो रहा है तो ये कैलकुलेशन भी वैसे ही होगी कि इसमें आप जो फाइनल फिगर है दैट इज नाइन परसेंट तो नाइन से सेवन को आप माइनस कर रहे हैं और दो को फिर नाइन पे डिवाइड करके तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये दो छोट छोटी छोटी एग्जाम्पलें आपने देखी परसेंटेज चेंज इन परसेंट इंटरेस्ट कैसे किया जाता है तो आइए अगली स्लाइड की तरफ चलें इस स्लाइड में स्टॉक्स के बारे में बताया जा रहा है इसमें कई बातें स्टॉक एक्सचेंज की कैलकुलेशनें मुख्तलिफ तरीकों से की जाती हैं और उसमें सबसे पहले एक टर्म है कि स्टॉक यील्ड क्या है इन्वेस्टर इस बात में इंटरेस्टेड है कि स्टॉक यील्ड क्या है यील्ड यानी इस स्टॉक पे इन्वेस्टर को क्या इनकम होगी एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है अर्निंग्स पर शेयर कि कितने रुपए पर शेयर आपको इस स्टॉक से मिलेंगे और एक थर्ड पैरामीटर है प्राइस अर्निंग रेशियो तो आइए थोड़ी सी इस पर बात करें स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स का कारोबार होता है यानी शेयर्स इसको स्टॉक भी कहते हैं शेयर्स की प्राइसेस दिन ब दिन कभी जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो बढ़ती जाती हैं और जब मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड्स होता है तो गिरती जाती हैं स्टॉक्स की प्राइसेस चूँकि चेंज होती रहती हैं और कंपनीज की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी फ्रॉम वन ईयर टू द नेक्स्ट ईयर अक्सर चेंज होती रहती है तो इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि अगर मैं इस शेयर को खरीदूं तो मुझे फायदा होगा या नहीं तो इसमें सबसे पहले तो ये बात होती है कि जो पिछला डिविडेंड कंपनी उस शेयर पे दे चुकी है उसको उस स्टॉक की करंट प्राइस पे डिवाइड करके और हंड्रेड से मल्टीप्लाई करके देखा जाए कि इसकी एक्चुअल यील्ड यानी इनकम क्या बनेगी फिर एक और पैरामीटर जिसको ये कहा जा रहा है प्राइस अर्निंग रेशो कि ये प्राइस मसल पचास रुपए है और अर्निंग लेट से के दस रुपए है तो प्राइस अर्निंग रेशो फाइव रुपी बनेगी अब मुख्तलिफ स्टॉक्स मुख्तलिफ शेयर अगर आप अखबार के स्टॉक्स वाले पेज पर पे जाए तो कई न्यूज पेपर एक कॉलम में प्राइस अर्निंग रेशो भी इंडिकेट करते हैं तो वहां से आपको अंदाजा हो जाता है कि जिस स्टॉक की प्राइस अर्निंग रेशो बहुत हाई है उसका मतलब है कि उस स्टॉक की इनकम बहुत लो है यानी अगर आप वो शेयर खरीदेंगे तो आपको कम रुपये ल्ड मिलेगी तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है अगर प्राइस अर्निंग रेशो लेट से थ्री है तो इट शोज के ये तो बड़ी अच्छी जील्ड पर शेयर मिलेगी तो इस पैरामीटर को जो इन्वेस्टर नए शेयर खरीदना चाहता है वो डिफरेंट सिलेक्टेड शेयर्स की प्राइस अर्निंग रेशो को स्टडी करता है और उसको देख के फैसला करता है कि कौन सा शेयर उसके लिए बेहतर रहेगा तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इस स्लाइड पे आपको दिखाया जा रहा है कि ये पैरामीटर किस तरह से कैलकुलेट किए जा रहे हैं आइए स्लाइड की तरफ चलें चले तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ये जील्ड का एक छोटी सी एग्जाम्पल यहां शो की हुई है कि एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय क्लोजिंग प्राइस पर शेयर टेन डिवाइडेड बाई फोर्टी और ये परसेंट में निकल रहा है जीरो पॉइंट थ्री परसेंट यानि यह स्टॉक बहुत ही पुअर यील्ड दे रहा है 0.3 परसेंट अच्छा प्राइस अर्निंग रेशो देखें क्लोजिंग प्राइस पर शेयर को डिवाइड किया जा रहा है एनअल अर्निंग्स पर शेयर पे 41.125 डिवाइडेड बाई 1.11 और आंसर 37 आ रहा है तो ऑब्वियसली अगेन दिस इज ए वेरी पुअर फिगर 37 इट मीनस के ये स्टॉक की अर्निंग्स पर शेयर बहुत लो हैं फिर थर्ड पैरामीटर अर्निंग्स पर शेयर आप देख रहे हैं कि एनुअल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग उसे निकाला जाता है तो ये भी बड़ी लो वैल्यू निकल रही है जीरो तो ये तीन पैरामीटर आपने देखा कि जब स्टॉक कैलकुलेशन आप करेंगे तो ये आपके लिए बड़े इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं है तो ये बड़ा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स इसमें सिर्फ परसेंटेजें निकाली जा रही हैं लेकिन इसकी बड़ी फाइनेंशियल टर्म्स में इंप्लीकेशनस हैं इसलिए आई सजेस्ट कि आप इन तीनों पैरामीटर्स को अच्छी तरह से स्टडी कर लें आइए अगली स्लाइड की तरफ चलें एक छोटी सी एग्जाम्पल है बाइंग शेयर्स की इफ यू बाई हंड्रेड शेयर्स एट सिक्सटी टू पॉइंट फाइव रुपीज पर शेयर विद ए टू परसेंट कमीशन कैलकुलेट योर टोटल कॉस्ट तो आइए थोड़ी सी इस पे बात करें कि शेयर्स जब खरीदे जाते हैं स्टॉक मार्केट में जब आप जाते हैं तो वहां पे डिफरेंट ब्रोकर हाउसेस बने हुए हैं ब्रोकर आपके लिए एस एजेंट्स काम करते हैं और वो दूसरे ब्रोकर्स के थ्रू आपके लिए शेयर्स खरीदते हैं ब्रोकर की एक फीस होती है जो वो हर ट्रांजेक्शन पे चार्ज करता है तो आपने जब कॉस्ट निकालनी है कि मेरी शेयर प्राइस एक्चुअली क्या बन रही है तो एक तो शेयर प्राइस होगी उसके बाद जो कमीशन आप दे रहे हैं वो ऐड होगा तो इन दोनों आइटम्स को जब आप ऐड करेंगे तो टोटल प्राइस ऑफ द शेयर यानी सेल्फ कॉस्ट बन जाएगी तो आइए इसकी कैलकुलेशन देखें जहां आपने देखा कि 100 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई ये साइन मैंने वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाला इस्तेमाल किया है ताकि आपको याद रहे हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई 62.5 यानी ये सिक्स थाउजेंड तो शेयर प्राइस आ गई फिर आप कमीशन लगा रहे हैं 2% है तो 2% को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 0.02 और इसको मल्टीप्लाई किया टोटल प्राइस पे जो 6,250 आपने निकाली है कि उस प्राइस पे आपने कमीशन देना है तो ये 125 रुपीस हुआ तो टोटल प्राइस 6,375 बनी। थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव बने यहां पर आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन के जब आप शेयर खरीदेंगे तो उस वक्त आपको एक कमीशन देना पड़ेगा जब आप शेयर बेचेंगे तो फिर भी आपको एक कमीशन देना पड़ेगा यानी ब्रोकर आपसे बोथ बोथवेज कमीशन चार्ज करता है जब आप शेयर खरीद रहे हैं तो इसका मतलब यह होगा कि जो असल प्राइस है उसमें कमीशन ऐड हो जाएगा और वो आपकी टोटल परचेज प्राइस बनेगी जब आप शेयर बेचेंगे तो उस वक्त जो टोटल सेल प्राइस होगी उसमें से कमीशन माइनस होगा और फिर वह जो नेट वैल्यू है वो आपकी रियल सेल प्राइस बनेगी तो आइए इस कैलकुलेशन को देखें यह एक छोटी सी एग्जांपल return on investment suppose you bought 100 shares at rupees 52.25 and sold them one year later at rupees 68 with one percent commission rate buying and selling the stock and a current rupees 10 dividend per share in effect what was your return on investment price per share और एक ख़ास प्राइस पे आपने वो शेयर बेच दिए इस एग्ज़ाम्पल में हमने ये किया कि ब्रोकर आपसे वो डबल कमीशन चार्ज नहीं कर रहा बल्कि ये आपका को दोस्त है उसने कहा चलो मैं एक परसेंट ले लेता हूँ वरना आम हालात में शायद फोर परसेंट कमीशन देना पड़ता तो इस एग्ज़ाम्पल में मैंने वन कमीशन शो किया है दो प्राइसेस हैं एक प्राइस पे हम बाई कर रहे हैं और दूसरी प्राइस पे हम सेल कर रहे हैं फिर हम एक कमीशन पे कर रहे हैं तो आइए देखें ये कैलकुलेशन किस तरह से होगी यहां पे पहले बाइंग की कैलकुलेशन है वन हंड्रेड शेयर्स एट रुपीज फिफ्टी टू पॉइंट टू फाइव तो ये हुआ फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव अब कमीशन इस प्राइस पे चार्ज हो रहा है वन परसेंट ऑफ फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव तो टोटल कॉस्ट्स क्या हुई फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड सेवेंटी सेवन पॉइंट टू फाइव यानि कमीशन हमने जो एक्चुअल शेयर प्राइस थी उसमें ऐड किया आइए आगे चलें अब यहां बात हो रही है कि सेल की डिटेल्स क्या है 100 शेयर्स एट रुपीज सिक्सटी एट और यहां कैलकुलेशन में मैंने कमीशन शो किया है कमीशन एट 1 परसेंट इक्वल टू माइनस सिक्सटी ये पॉइंट जरा नोट करें कि यहां पे कमीशन एस माइनस फिगर आ रही है चूंकि आपने इसको डिडक्ट करना है तो टोटल कॉस्ट लिखा हुआ है लेकिन असल में ये टोटल सेल है टोटल सेल तो टोटल सेल कितनी बनी 6,800 से आपने 68 एट कमीशन निकाला तो टोटल वैल्यू 6,732 बनी पिछली साइड पे दोबारा देखें यानी आपने जो शेयर खरीदे थे 5,277.25 पे खरीदे और 6,732 पे आपने बेचे आइए इसको आगे देखते हैं अब गेन ये मैंने एक जगह पे कंसोलिडेट किया ये सारी कैलकुलेशन अब ये वो जो आप पहले सवाल आपने देखा ये उसके मुताबिक ये मैंने किया कि नेट रिसीट्स यहां पे शो हो रही हैं 6,732 और टोटल कॉस्ट माइनस के तौर पे शो की जा रही है 5,277.25 यानी इसको जब हम नेट रिसीट्स में से निकालेंगे तो नेट गेन हमारे पास आ गया और नेट गेन क्या हुआ 1454.75 अब डिविडेंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सवाल में दिया हुआ था ₹10 पर शेयर यहां पे आप देख रहे हैं कि डिविडेंड्स की फिगर हम शो कर रहे हैं 100 हंड्रेड इन तो ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो दस रुपए अक्सर शेयर्स की वैल्यू दस रुपए होती है कुछ शेयर ऐसे भी हैं जो फिफ्टी रुपीज के हैं फेस वैल्यू और कुछ शेयर ऐसे हैं कि जिनकी फेस वैल्यू हंड्रेड रुपीज है हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस में जनरली ये तीन टाइप्स के शेयर्स मौजूद हैं अब यहां पे ये डिस्कस करना जरूरी है कि ये फेस वैल्यू क्या है फेस वैल्यू वो शेयर की वैल्यू है जो उस शेयर की डॉक्यूमेंट पे प्रिंट की जाती है जब कंपनियां फॉर्म की जाती हैं तो उनका टोटल शेयर कैपिटल जो वैल्यू है उसको जब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड किया जाता है तो वो उसकी फेस वैल्यू निकलती है स्टैंडर्ड तरीका ये है कि हर शेयर की वैल्यू शेयर की फेस वैल्यू दस रुपए रखी जाए यही शेयर जब कंपनी ऑपरेशन में आ जाती है और उसका प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है कंपनी के एसेट बढ़ जाते हैं तो एक्चुअल एसेट वैल्यू पर शेयर बढ़ जाती है अब ये एक्चुअल एसेट वैल्यू आफ्टर सम टाइम हो सकता है पंद्रह रुपये हो जाए हो सकता है बीस रुपये हो जाए ऐसे शेयर भी हैं कि जिनकी एसेट वैल्यू सेवनटी रुपीज है जो बड़े अच्छे समझे जाते हैं तो एक्चुअल एसेट वैल्यू लेट्स से एक शेयर की कीमत सेवेंटी रुपीज है तो असल एसेट वैल्यू इज 70, बट फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज टेन रुपीज तो जितनी भी हैं, जब आप प्राइस के साथ रिलेट करेंगे ये बड़ी समझने वाली बात है कि जब बात होगी जील्ड की जो हमने पहले देखा कि अगर शेयर की एसेट वैल्यू सेवेंटी रुपीस है तो क्या वो शेयर 70 पे बिक रहा है नो no. जितनी एसेट वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है उतना मार्केट में शेयर की वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है यह हो सकता है कि यह शेयर जो सेवेंटी रुपी एसेट वैल्यू वाला है साढ़े तीन सौ रुपए में बिक रहा हूं ये एक रूल ऑफ थंब जेनरली समझा जाता है कि एसेट वैल्यू का जो मार्केट वैल्यू पांच से गुना होती है अक्सर शेयर अगर आप अखबार को उठा के देखें स्टडी करें तो आपको ये पता लगेगा कि ये तीन बातें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की फेस वैल्यू फिर एसेट वैल्यू इस केस में 70, फेस वैल्यू 10 और मार्केट प्राइस 350. तो अब जब कैलकुलेशन कर रहे हैं यील्ड की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सवाल है कि यील्ड जो है किस पे कैलकुलेट की जाएगी अगर ये शेयर साल के बाद 35 रुपीस डिविडेंड देता है तो इसकी यील्ड क्या हुई तो थर्टी फाइव रुपीज को क्या दस पे डिवाइड करेंगे नो no. क्या सेवेंटी पे करेंगे नो no. क्या थ्री फिफ्टी पे करेंगे यस yes. वाई कि आपने जो असल मार्केट प्राइस है थ्री फिफ्टी उस पे आपने शेयर की वैल्यू को वर्कआउट करना है तो ये सारी इस किस्म की है में प्लीज बी वेरी सर्टन दैट यू सेलेक्ट द राइट प्राइस फॉर योर कैलकुलेश आई एस कैलकुलेशन को अब इस कॉन्टेक्सट में दोबारा देखते हैं कि इस शेयर की नेट रिसीट्स 6,732 थाउजेंड हुई टोटल कॉस्ट वाज़ 5,277.25 थाउजेंड रुपीस यहां माइनस शो कर रहे हैं माइनस साइन नेट गेन 1,454.75 अब डिविडेंड्स की बात यहां पे आ गई और अब यही वो एक्सप्लेनेशन कि हमने चुके कहा कि उसकी फेस वैल्यू पे दस रुपये का जो शेयर है उस पर दस डिविडेंड हमें मिल रहा है तो यहाँ पे इस वजह से एक रुपया शो हो रहा है कि 100 शेयर्स शेयर मल्टीप्लाइड बाई वन रूपी या वन आ गया अब टोटल गेन क्या हुआ कि नेट गेन जो आपने सेल ऑफ शेयर्स की और उसमें डिविडेंड आपने ऐड किया तो ये टोटल गेन 1,554.75 हुआ अब लेट्स सी कि ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है रिटर्न एज यू नो कि वैल्यू डिवाइडेड बाय द कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 है

कि आपने ये शेयर्स एक खास प्राइस पे खरीदे और एक खास प्राइस पे बेचे और इसकी येल्ट आपके लिए 29 परसेंट के करीब आई 29.46 परसेंट तो इस किस्म की कैलकुलेश आप अक्सर जब आप स्टॉक्स के साथ डील करेंगे ये आप करेंगे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका अक्सर डेली यही काम है कि शेयर खरीदा एक खास प्राइस पे फिर शेयर बेचा एक खास प्राइस पे फिर बैठ के कैलकुलेट कर रहे हैं फ़ायदा क्या हुआ नुकसान क्या हुआ अब ये जो आपने देखा ये कैलकुलेशन ये मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट बना के करें यह मैं आपको ये हल करके नहीं दे रहा आपने इसकी वर्कशीट एज होमवर्क करनी है तो इसको करें और इस लेक्चर के दो दिन बाद आपको वेबसाइट पे इसका आंसर मिल जाएगा ताकि आप कंपेयर कर सकें कि मेरी वर्कशीट करेक्ट है या नहीं वैसे यहाँ एक पते की बात कि जब वर्कशीट बनेगी जवाब ठीक निकल आएगा तो इसका मतलब है वर्कशीट ठीक है आइए अगली स्लाइड की तरफ चलिए यहां डिस्काउंट की अब बात हो रही है डिस्काउंट कि डिस्काउंट क्या है ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। डिस्काउंट जो पहले लेक्चर में भी बताया गया कि बड़ी दिलचस्प बात है और बड़ी इंटरेस्टिंग हर आदमी इंटरेस्टेड है कि ये क्या डिस्काउंट मिलेगा कंपनियां वॉल्यूम डिस्काउंट की बात करती हैं और व्हेन दे बाय दे ऑलवेज आस्क स्प्लायर्स ने भी इंसेंटिवस दिए हुए हैं अगर आप ये वॉल्यूम खरीदेंगे तो इतने परसेंट डिस्काउंट होगा अगर आप इतना खरीदेंगे तो इतने परसेंट होगा तो ये कंपनीज की स्ट्रेटजीज होती हैं कि हम अपनी सेल को कैसे बढ़ाएं तो डिस्काउंट का डिज़ाइन किया जाता है इसको बाकायदा इसकी फिगर्स बड़ी सोच समझ के रखी जाती हैं ताकि इंसेंटिव रहे कि जब आप एक डिस्काउंट दे रहे हैं तो आप इनक्रेज करें कि आपका बायर आपसे ज़्यादा चीज़ें खरीदे तो ये वॉल्यूम डिस्काउंट्स बड़ी इम्पॉर्टेंट एक पहलू है सेल परचेज का तो आइए अगली स्लाइड की तरफ चलें देखें डिस्काउंट के एक दो छोटे से सवाल मैंने यहाँ पे आपके लिए रखे हैं कि एक छोटा सा केस है कि लेस प्राइस इज टू थाउजेंड टू हंड्रेड डिस्काउंट रेट इज फिफ्टीन परसेंट तो व्हाट इज़ द डिस्काउंट दिस इज द कैलकुलेशन तो इस कैलकुलेशन में बड़ा आसान है कि ये फिफ्टीन परसेंट जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा तो पॉइंट वन फाइव हो जाएगा तो इसको जब प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे 2200 थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई जीरो तो जवाब 330 आपके पास आ गया यानी आपको इस लिस्ट प्राइस पे 330 डिस्काउंट मिला आइए अगली स्लाइड देखें यहां पे नेट कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है ये मैं जरा एक्सप्लेन करूं कि एक्चुअल जो लिस्टेड प्राइस है प्लीज नोट द वर्ड्स स्टेड प्राइस और नेट प्राइस लिस्टेड प्राइस क्या है कि कंपनी एक लिस्ट बना रही उस लिस्ट में कंपनी ने मुख्तलिफ प्राइसेस शो की हुई है जिनको ग्रोस प्राइसेस कहते हैं ग्रोस का मतलब है कि उसमें डिस्काउंट अभी रिड्यूस नहीं किया गया तो ये इस वजह से किया जाता है ये ग्रोस प्राइसिस दी जाती हैं डिफरेंट बायर्स डिफरेंट वॉल्यूम्स खरीदते हैं और कंपनी डिफरेंट डिस्काउंट देती है तो वह एक रेफरेंस बन जाता है कि हमारी जो ग्रोस सेल प्राइस है उस पर हम इतने परसेंट डिस्काउंट देंगे तो यह तो हुआ जो सेलर है उसके एंगल से अब बायर के एंगल से देखें कि बायर को इंटरेस्ट है कि नेट प्राइस क्या है तो वो फॉरन वो परसेंट डिस्काउंट की तरफ इतना नहीं देख रहा वो ये देख रहा है कि मेरा नेट मुझे सेल्फ कॉस्ट क्या आ रही है ठीक है दैट्स फाइन इतने परसेंट डिस्काउंट बट वट इज द रियल प्राइस तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज जो इस स्लाइड पे आपने आप देख रहे हैं लेट्स गो थ्रू दिस स्लाइड कि नेट प्राइस पहले यहां पे डेफिनेशन के लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट अब एग्जांपल ये है कि लिस्ट प्राइस इज फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज डिस्काउंट इज ट्वेंटी परसेंट तो नेट कॉस्ट प्राइस क्या हुई कि लिस्ट प्राइस व्हिच इज फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस ट्वेंटी परसेंट ऑफ फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड यानी ये डिस्काउंट आप लिस्ट प्राइस का परसेंट निकाल रहे हैं इस केस में चूंकि डिस्काउंट ट्वेंटी है तो हमने निकालना है ट्वेंटी परसेंट और फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड यह अगला स्टेप शो किया गया है कि फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस जीरो पॉइंट टू या जीरो पॉइंट टू अब फ्रैक्शन हुआ ट्वेंटी परसेंट का इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं विदिस्ट प्राइस फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड अगले स्टेप में देखिए फोर थाउजेंड यानी आपको डिस्काउंट नाइन मिला और आपकी नेट प्राइस 3,600 थाउजेंड हुई यहां जरा एक्सेल की बात हो जाए यही कैलकुलेशन प्लीज डू इट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसमें आप एक रो में ले प्राइस लिखें फिर कॉलम में जाके तो एंटर करें ये वैल्यू 4,500। फिर नेक्स्ट रो में आप लिखें डिस्काउंट फिर उसको ट्वेंटी परसेंट आगे लिखें यानी ट्वेंटी की फिगर दें परसेंट का साइन नहीं लिखना परसेंट नेक्स्ट सेल में लिखें फिर आप अगली लाइन में डिस्काउंट इन रुपीस कैलकुलेट करें वो कैसे कैलकुलेट होगा फॉर्मूला लगाएं, इक्वल साइन फिर वो सेल पहले सेलेक्ट करें जहां 4,500 लिखा है फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन फिर 20 की वैल्यू जहां पे आपने लिखी है अब ये परसेंट है तो फॉर्मूले में डिवाइड का साइन करके 100 ताकि ये फ्रैक्शन में बन जाए जब आप इंटर करेंगे तो 900 हंड्रेड वहां पर आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में नेट प्राइस लिख के फिर फॉर्मूला लगाइए इक्वल साइन लेस प्राइस वाले सेल में जाइए फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड जहां लिखा हुआ है उसको क्लिक करें फिर माइनस साइन और ये नाइन हंड्रेड डिस्काउंट जहां पे हमने वर्कआउट किया और फिर एंटर अब एक और बात कि ये मैं जिस तरह से आपको ये बता रहा हूं ये डिफरेंट स्टेप्स हैं अब कुछ लोग सारे स्टेप्स में इंटरेस्टेड नहीं होते यू आर इन एहरी यू वॉन्ट टू मेक ए कैलकुलेशन सर चार लाइनों में क्या जरूरत है एक लाइन में क्यों ना हम डायरेक्टली लिख लें तो यह किया जा सकता है दरमियान में जो इंटरमीडिएट कैलकुलेशन हैं उसकी जरूरत नहीं है फॉर्मूला आप स्ट्रेट अप्लाई कर सकते हैं लेकिन फिर भी आपको लिस्ट प्राइस तो लिखनी पड़ेगी एंड सेकेंडली परसेंट डिस्काउंट भी लिखना पड़ेगा यानी तीन लाइन्स में हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि पहले लिस्ट प्राइस फिर परसेंट डिस्काउंट फिर नेट प्राइस डायरेक्टली कैलकुलेट कर ली जाए आइए अगली स्लाइड की तरफ चलें। इंटरेस्ट यहां छोटी सी एक्सप्लेनेशन इंटरेस्ट एक तो ना इंटरेस्टिंग बड़ा दिलचस्प है इंटरेस्टिंग यह आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की एक है इंटरेस्ट जो बैंकों वाले जिसको उर्दू में सूद कहते हैं इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट की दो टाइप्स हैं एक इंटरेस्ट है जिसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं और दूसरा इंटरेस्ट है जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं अच्छा अब यहां पे ये यह पॉइंट है कि व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है कि जो आप एनुअली कैलकुलेट करते हैं और एक वैल्यू आपके पास आ जाती है और अगले साल उसी प्रिंसिपल पे फिर वही इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है उसे अगले साल भी वही इंटरेस्ट है तो एक सिंपल इंटरेस्ट का तरीका है कि आप साथ साथ पेमेंट कर रहे हैं और आप को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा अब अगर आपका डील बैंक के साथ ये है कि अगर मैंने यह पेमेंट ना की इंटरेस्ट की तो यह प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगी यानी प्रिंसिपल का क्या मतलब हुआ असल रकम तो प्रिंसिपल में आपने इसको ऐड किया और नेक्स्ट ईयर फिर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के ऊपर फर्दर इंटरेस्ट आप दे रहे हैं इस टाइप का इंटरेस्ट जिसमें प्रिंसिपल में असल जो इंटरेस्ट है वो ऐड हो जाए और नेक्स्ट ईयर उसपे भी इंटरेस्ट अप्लाई हो तो इसको कंपाउंड कहा जाता यानी कंपाउंडिंग कंपाउंड वैसे भी कंपाउंड का क्या मतलब है पेचीदा करना ये तो बड़ा कंपाउंड प्रॉब्लम हो गया तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन फर्दर चूंकि पेचीदा हो गई तो उसको कंपाउंड कहा जा रहा है अब जितने भी इंटरेस्ट रेट्स बैंक्स अप्लाई करते हैं वो सारे कंपाउंड इंटरेस्ट रेट्स होते हैं अलबत् अगर आप किसी से पर्सनल लोन लें या कुछ स्पेशल लोन अरेंजमेंट्स हों या स्पेशल अदारे जो कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई नहीं कर रहे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कुछ ऐसे अदारे भी हैं जो सिंपल इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है तो लेट्स लुक एट स्लाइड वंस अगेन इसका एक फॉर्मूला यहां पे शो किया गया कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है प्रिंसिपल पी उसके बाद रेट परसेंट पर एन ये रेट्स जो है ना आर कैपिटल भी आप लिख सकते हैं और स्मॉल लेटर्स में भी आप लिख सकते हैं वैसे अक्सर स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है लेकिन अगर आप कैपिटल में भी लिखें तो सही है आर इक्वल टू रेट परसेंट पर एनम यानी पर ईयर पर एनम का मतलब है पर ईयर जो रेट अप्लाई होगा परसेंट इंटरेस्ट टी इस टाइम इन जीयर्स मसन दो साल का पीरियड है तो T की वैल्यू दो होगी अगर पांच साल का पीरियड है तो पांच होगी अगर दस है तो दस होगी अब I को देखें कि I इज सिंपल इंटरेस्ट ये डेफिनेशंस यहां पे आपने देखी थोड़ी सी बात मैं और यहां करना चाहूंगा कि कुछ टेक्स्ट बुक्स में इस फॉर्मूले को पहले ऐसे दिखाया जा रहा है अब ऑब्वियसली यहां पे डिफरेंट वेरिएबल्स हैं प्रिंसिपल की बात हो रही है फिर रेट की बात हो रही है फिर टाइम की बात हो रही है तो आप कई प्रॉब्लम्स एनकाउंटर करेंगे और इस तरह से देखेंगे मसन पहला कि इंटरेस्ट बन के आ रहा है अगर इतना पीरियड है वट विल बी दे इंटरेस्ट ये तो स्ट्रेट कैलकुलेशन अगर आप ये कहें कि इतने रुपए चार साल में इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा तो आप इंटरेस्टेड हैं कि एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है एक तीसरी भी कैलकुलेशन है कि जिसमें आप टाइम पीरियड को स्टडी करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले में मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आप इसको जो भी अननोन है फॉर्मूले को ऐसे ही लिख लें एज इट इज और जो वैल्यूज आपके पास अवेलेबल हैं उनको वहां एंटर कर दें और अन जिस साइड पे अननोन आ रहा उसको फिर आप एक्सचेंज करके दूसरी साइड पे ले जाइए ये एक सिंपल चेंज ऑफ साइड का सवाल बन जाता है बजाय इसके कि ये फार्मूले इन्वर्ट किए जाएं एक फार्मूला सिंपल सा अपने सामने रखिए प्रिंसिपल इनटू इंटरेस्ट रेट इनटू टाइम आप चूंकि इंटरेस्ट रेट हंड्रेड में है वो परसेंट में है तो आपने फिर हंड्रेड पे डिवाइड करना इस वजह से इस फार्मूले में ये हंड्रेड की फिगर इस्तेमाल होती है आइए अगली स्लाइड देखें छोटा सा सवाल के फाइंड इंटरेस्ट किस पे इंटरेस्ट हमने कैल्कुलेट करना है प्रिंसिपल इज रुपीज फाइव हंड्रेड एंड टाइम इज फोर ईयरस रेट इज इलेवन परसेंट तो इंटरेस्ट क्या हुआ पहले फॉर्मूला यहां शो किया जा रहा है कि प्रिंसिपल इंटू द टाइम टी इंटू द रेट एंड परसेंट और फिर 100 पे डिवाइड किया जा रहा है ताकि फ्रैक्शन बन जाए तो ये कैलकुलेशन फिर ऐसे बनेगी कि P की वैल्यू 500 हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई टाइम पीरियड 4 ईयर्स इनटू 11 एंड डिवाइडेड बाय 100। तो ये इंटरेस्ट इन 4 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट 220 बन गया यहाँ अगेन एन एक्सप्लेनेशन कि ये नोट करें कि इस इंटरेस्ट में हमने कोई वैल्यू कैरी फॉरवर्ड नहीं की यानी जिस साल की कैलकुलेशन हो रही है उसी साल में वो आ रही है क्योंकि स्ट्रेट नंबर ऑफ इयर्स से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी अगर आप फोर को ना इस्तेमाल करें वन की फिगर इस्तेमाल करें इसी सवाल में अगर चार की जगह एक हम इस्तेमाल करें तो इसका मतलब है कि एनुअल इंटरेस्ट आ जाएगा एक साल का इंटरेस्ट टाइम पीरियड वन ईयर हो गया लेकिन यहां हम इस्तेमाल कर रहे हैं फिगर चार सो इट मीन्स के फोर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन अदर वर्ड्स जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था उसको सिंपली हमने फोर टाइम्स कर दिया यानी सिंपल अकोमोलेशन ऑफ इंटरेस्ट इस वजह से इस इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है आइए अगली स्लाइड की तरफ चलें। इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और यहां लिखा हुआ है आल्सो एट्रैक्ट इंटरेस्ट इसका क्या मतलब है लेट्स लुक एट दैट वन कि जो पहले साल की वैल्यू है उस पे आपने वर्कआउट किया इतना इंटरेस्ट बनेगा तो फिर अगले साल जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने लगेंगे तो प्रिंसिपल में फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पहले ऐड होगा फिर उस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाएगी यानी आपने पहले कंपाउंडेड वैल्यू निकाली कंपाउंडेड वैल्यू यानी कंपाउंडेड वैल्यू क्या हुई प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इन ईयर वन फिर उस पे आपने दोबारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन की यानी सिंपल कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर कंपाउंडिंग फिर वो वैल्यू जब निकल आई तो उसको पिछली कंपाउंडेड वैल्यू में ऐड किया तो दिस यू विल कंटिन्यू डूइंग फॉर एवरी ईयर तो आइए इस एग्जाम्पल को आप दोबारा देखें कि प्रिंसिपल इज 800, इंटरेस्ट ईयर वन में यहां 10% की फिगर इस्तेमाल हो रही है जिसकी वजह से फ्रैक्शन 0.1 आपको नजर आ रहा है तो जीरो 800 ये 80 हो गया। तो न्यू पी अब क्या हुआ प्रिंसिपल न्यू प्रिंसिपल पिछला प्रिंसिपल था 800, इसमें इंटरेस्ट ऐड हुआ 80, तो नया प्रिंसिपल हो गया एट हंड्रेड अब आप कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन एट तो 0.1 अगेन इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 880 ये जो वैल्यू है ना 880 दिस इज योर कंपाउंडेड वैल्यू इस पे आपने अब इंटरेस्ट निकाला 88 इसको जरा देखें कंपेयर करें पिछले साल इंटरेस्ट था 80 इस साल हो गया 88 सो इट मीनस के वो कंपाउंडिंग के वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा न्यू प्रिंसिपल अब क्या हुआ कि पिछला जो प्रिंसिपल था दैट वाज 880 इसमें जो इंटरेस्ट निकला 88 जब हमने ये कैलकुलेट किया तो ये 968 टोटल वैल्यू ऑफ न्यू प्रिंसिपल निकली यहां भी मैं थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करना चाहूंगा चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना आम आदमी इसको भूल जाता है इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है कि आपने बड़ी खुशी से बैंक से लोन लिया और उस वक्त आप समझे कि ये इंटरेस्ट रेट तो कोई इतना ज्यादा नहीं है इट इज़ ओनली एटीन परसेंट तो आपने प्लान बनाया ये मैं बड़े आराम से पे कर लूंगा नो प्रॉब्लम बट समथिंग हैपन्ड आपकी कैश फ्लो जो आपने सोची थी वो ना हुई साल के बाद जो इंटरेस्ट देना था वो ना दे सके जो आपने सोचा था कि मैं ये इंस्टॉलमेंट भी दे दूंगा साल के बाद ये मैं पांच साल में रीपे कर दूंगा ट्वेंटी परसेंट पांच लाख मसलन अगर लोन है तो सोचा था कि कोई नहीं ये एटीन परसेंट मीन्स के नाइनटी थाउजेंड देना पड़ेगा और हंड्रेड थाउजेंड मैं रीपे कर दूंगा तो मैं वन हंड्रेड नाइन्टी थाउजेंड आई विल बी एबल टू पे इनकम फॉर कास्ट थी कि यह तो मेरे लिए मसला है कोई नहीं लेकिन सम हाउ थिंग्स डेंट वर्क आउट द वे देर एक्सपेक्टेड टू तो आप सोचें अब सूरत हाल क्या हुई कि नाइन्टी थाउजेंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल वॉज फाइव हंड्रेड थाउजेंड अब क्या हो रहा है कि वो 500,000 में ये 90,000 ऐड हो गया यानी नेक्स्ट ईयर अब फाइव नाइन्टी पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो वो कैलकुलेशन फर्दर खराब होती जा रही है सपोजिंग यू कांट पे इवन नेक्स्ट ईयर तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट आप देख रहे हैं कि ये क्या होगा तो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बड़ा इम्पॉर्टेंट बिजनेस प्रॉब्लम है पर्सनल प्रॉब्लम है और इसमें मैं आपको ये बड़ा एम्फोसाइज करूंगा कि ये कंपाउंडिंग की जो एक्सरसाइजेस हैं इनको आप इसकी भी एक वर्कशीट बनाइए पाँच छ साल का प्लान एक अपना सवाल आप हल करें एक घर के लिए लोन का छोटा सा प्रोजेक्ट सोचें पाँच लाख दस लाख पंद्रह लाख पाँच साल में रीपे करना है एटीन परसेंट इंटरेस्ट पे कैलकुलेशन करें उसी वर्कशीट में ये आप देखें कि अगर मैं इंटरेस्ट ना पे कर सकूं पहले साल या दूसरे साल तो व्हाट विल बी द सिचुएशन इसका क्या इंपैक्ट होगा ये बड़ी इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशंस होती हैं और स्पेशली जब इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं तो उनमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इसका एक सेंसिटिविटी एनालिसिस भी करता है कि इफ आई फॉल्टर इफ आई कांट री इफ आई कांट पे दिस लोन देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन स्टूडेंट्स आपको ये रियलाइज हो चुका होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको समझना बहुत जरूरी है आइए स्लाइड पे हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है यहां एस इक्वल टू पी द प्रिंसिपल फिर 1 प्लस आर यानी रेट डिवाइडेड बाई 100 रेस टू द पावर n विच इज द नंबर ऑफ इयर्स तो ये बेसिक तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का इस अगली स्लाइड में जो मैं आपको यहां शो कर रहा हूं कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट की जा रही है कि 750 वाज इन्वेस्टेड एट 12 परसेंट पर एन फॉर एट इयर्स तो ये आप देख रहे हैं कि ये 750 फिर ब्रैकेट में 1 प्लस ट्वेल्व बाई हंड्रेड रेज टू दावर एट ये जवाब 1957 यानी 1957 750 से प्लीज नोट कि 12 फीसदी इंटरेस्ट पे ये थ्री टाइम्स हो गया तो इसके सिग्निफिकेंस आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की नजर आ रही है कि इवन एट ए वेरी लोअ इंटरेस्ट रेट जो फिगर थी 750 वो तकरीबन थ्री टाइम्स के करीब पहुंच गई स्टूडेंट्स आपने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसकी फर्दर एन में एप्लीकेशन हैं वो मैंने कुछ स्लाइड्स एनूएटी पे बनाई हुई हैं जो मैं अगले लेक्चर में आपको दिखाऊंगा और ये स्लाइड्स इस लेक्चर के बाद आपको वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगी तो अब मेरा आपसे मशवरा ये कि प्लीज डू ऑल दीज कैलकुलेशंस जो आज हमने की इनको आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करें वर्कशीट्स बनाएं उस पर प्रैक्टिस करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट की डिस्काउंट रेट्स ये सारी कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं वो फर्दर डेवलप हो जाए ये तो था आज का लेक्चर इसमें भी कई इंटरेस्टिंग बातें हमने सीखी ख़ास तौर पर कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्काउंट रेट्स तो आज के लिए इतना ही अब इजाज़त दीजिए السلام علیکم خدا حافظ